नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित टेमनी ग्राम के समीप वर्ष 2016-17 में हाउसिंग बोर्ड ने अपने प्रोजेक्ट के तहत कॉलोनी विकसित की। इस कॉलोनी में AWS और LIG के टाइप के 133 मकान बनाना है। 5 वर्ष बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक इस प्रोजेक्ट के मकान पूरे नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने मकान बुक कराए हैं उन्हें बुरी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अपना घर का सपना लेकर जब हाउसिंग प्रोजेक्ट टेमनी में लॉन्च हो रहा था तो मकान लेने लोगों ने तत्काल आवेदन जमा कर अपने मकान की राशि पूरी जमा करा दी। कुछ की 1 या 2 किस्त बाकी हैं, लेकिन मकान कहीं कोई पता नहीं। मकान लेने वाले श्री संतोष जावरे, दिलीप पाटिल, श्री मती लता मालवी, रूपाली कालभोर और अन्य कई लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। लोगों ने विभाग को बैंक से लोन लेकर मकान की रकम जमा की है, जिसमें 2 महिलाओं ने संवाददाता से मुलाकात कर बताया कि हमने मकान की राशि पूरी जमा कर दी है, लेकिन हमारे मकान का काम शुरू भी नहीं हो पाया है। हाउसिंग बोर्ड के नियम के अनुसार मार्च 2019 में ही मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। मकान का काम शुरू भी नहीं हो पाया है। ऑफिस जाने पर देखने में आया है कि विभागीय अधिकारी नहीं मिलते हैं। संपर्क करने पर होशंगाबाद और भोपाल बतलाते हैं। संवाददाता ने जाकर देखा तो वहां कोई भी अधिकारी नहीं था। जानकारी मिली है कि 1 सप्ताह में 1 या 2 दिन आते हैं और फिर चले जाते हैं। संवाददाता देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। मैं नितेश कालपुर। हम लोगों ने टेमनी में जो प्रोजेक्ट चल रहा है हाउसिंग बोर्ड का, उसमें हमारे घर बुक करे थे और अब करीब 3 साल हो गए, पैसे हमारे पूरे जमा हो चुके हैं और हमने लोन पे लेके इनको पैसे जमा किए हुए हैं और इसके बाद में अभी तक के नींव भी नहीं रखाई हुई है वहाँ पे। और हमारा सारा पैसा और जो हमारी पूंजी है, इतनी सारी हमने जो पूरी 13 लाख रुपये जमा करी थी, वो सब अभी बिल्कुल ख़त्म समझ ली जाती है। कोई मतलब नहीं है हमारे। अधिकारियों से चर्चा हुई आपकी? जी, अधिकारियों से चर्चा हुई। अधिकारियों से काफ़ी बार चर्चा हुई है फ़ोन पर और हमने काफ़ी बार फ़ोन किया है, कोई खास रिस्पांस मिलता नहीं है। वो यही कहते हैं कि अब मैंने में काम शुरू होगा, 15 दिन में काम शुरू होगा, 20 दिन में काम शुरू होगा। कभी कोरोना का बहाना निकल के आता है, कभी ठेकेदार नहीं मिलता वो बहाना मिल के आता है, कभी बोलता ऊपर से ऑर्डर नहीं आया वो बहाना होता है जी। तो और वो बोलते हैं हम ऑफिस में मिलते नहीं हैं, आधे से ज़्यादा टाइम में यहाँ पे आते, कभी मिलते नहीं हैं। वो होशंगाबाद में रहते हैं, कभी भोपाल में रहते हैं। तो जो जिस पे भार है इस सब चीज़ों का, वो अधिकारी यहाँ पे अधिकतर नहीं मिलते हैं। और जब उनसे बात करो तो वो बोलते हैं हम आपको फ़ोन करेंगे और फ़ोन कभी नहीं आता फिर उसके बाद। बताए सर आपकी समस्या। ये अभी हमने 2016 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था 1,29,000 रुपये दे करके जी। उसके बाद से इनने इनसे जब जब संपर्क किया है तब ये हमेशा हमको गुमराह करते रहे हैं और अभी तक ये स्थिति है कि उन्हें 2 साल में कंप्लीट करके देने का बोला था और आज 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक ये कुछ कुछ हुआ ही नहीं काम। हम लोग किराए के मकान में रह रह करके अपना समय बिता रहे हैं। अभी आपने इसका अमाउंट कितना जमा किया? लोन लेकर के होम लोन लिया है और एक किस्त बची है 1,30,000 की, बाकी पूरी जमा कर दी है। जमा कर दी है। अब डिपार्टमेंट क्या बोलता है आपको? ये तो यही बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी करके देंगे, 1-2 महीने में हमको 2 महीने का समय दीजिए सर, हम जल्दी करके देंगे, ऐसा ऐसा गुमराह करते जा रहे हैं। अभी तक 2 महीने उनकी कम्प्लीट ही नहीं हुए जी। आपने कितने नंबर का प्लाट बुक कराया? ये 56 नंबर का है मेरे नाम से। किस अधिकारी से बात हुई थी आपकी? हाउसिंग बोर्ड के पता नहीं कौन अधिकारी तो मालूम नहीं, पर हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी है, अधिकारी लोग हैं, उनसे चर्चा की थी जी। क्या बोले उन लोगों ने? उनने तो यही बोला है कि हम बहुत जल्दी करके देंगे, है ना, 2 महीने का समय, 2-3 महीने का समय तो यही बोला है। और अभी तक तो ये 2-3 महीने कितने गुजर गए, अभी तक ये स्थिति है खंडहर में। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले का ही कोई पुराने अवशेष, पुराने जो पुराने खंडहर वाले जो मकान है ना, वो ऐसा लग रहा था कि पहले के ज़माने में कोई टूटा फूटा कोई खंडहर होगा, तो ऐसा लग रहा है। अभी तो कुछ ये स्थिति देख करके तो ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है।